नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखें। और मैं यार अभी उठ चुका हूँ, और अभी उठ के अपना जाऊंगा मैं ऑफिस की तरफ। तो अभी मेरा दूध आया था, तो मैंने दूध गर्म करने रखा हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, फिर हम इसको पियेंगे। ठीक है, और बाकी यार अभी कॉलगेट ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, फिर आराम से अपने ऑफिस की तरफ निकलता हूँ। और अभी एक जगह जाना है मुझे। ठीक है, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप लोग अपने भाई के चैनल में बने रहें, और प्लीज़ गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, अपने भाई के चैनल को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के। तो गाइस आप लोग बन रहिए, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ, और कुछ सामान छूट गया था क्या? मैं चाबी कहाँ, गाड़ी की चाबी ये मिल गई मुझे, गाड़ी चाबी। और ये हमारा गोप्रो हो गया, ठीक है, और ये हमारा टॉवल हो गया। लाइट चल रखी अंदर, जल्दी की, ठीक है, तो हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो गाइस मैं भी जा रहा हूँ अपने दफ्तर के लिए, और एक जगह पिशन के घर जाना है मुझे ड्रेसिंग करने, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने हमसे नर्स ले रखी है, मतलब सेमी नर्स जीडी ले रखे हैं उन्होंने हमसे, तो हमसे कहने लगे थे कि आप ड्रेसिंग करने एक टाइम आप ही आना, फिर ड्रेसिंग जैसे जैसे स्टेप आप करोगे वैसे वैसे स्टेप फॉलो आपका स्टार्ट करेगा, तो फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग आप करोगे। ठीक है, तो गाइस हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आज। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे तमाम चीज़ें, हम जो जो गतिविधियाँ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने भाई के साथ बने रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, और ये हमारे एक वाहन है। तो गाइस आप लोग हमारे साथ बने रहें, हम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं आज, और आप लोग हमारे साथ बने रहोगे तभी ये कुछ हो पाएगा। तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना अच्छा हो सके हमको फॉलो करें, लाइक करें, सकें। थैंक यू सो मच गाइस, आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस तुम्हारा भाई बैठ चुका है कार में, अपने वाहन में बैठ चुका हूँ मैं। अब हम यहाँ से चलेंगे अपने काम की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ। तो आप लोग बने रहिए अपने भाई के साथ। पहले हम श्रीमती जी को टेलीफोन कर लेते हैं, हमारे श्रीमती जी कहाँ हैं, क्योंकि श्रीमती जी मायके गई हुई है ना, तो देखते हैं मैडम कहाँ है हमारी श्रीमती जी। अब देखो हमारे श्रीमती जी टेलीफोन ही उठा रहे हैं अभी, पता नहीं नहा रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यार गए आप क्या बोलो अभी मैं, चलो हमारे मैडम टेलीफोन उठा रहे हैं,
तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद हम, और आप लोग बने रहिए अपने भाई के साथ प्लीज़ यार। हाँ आ गया हमारे श्रीमती जी का टेलीफोन। जय श्री राम श्रीमती जी। हाँ जी कहाँ हैं आप? हमको आप आपसे मिलने का मन कर रहा था यार, आपकी याद आ रही थी। मिलना है आपसे, समय है आपके पास? हम आपसे जहाँ आपके दिल में मिल लेंगे। तो चलो हम आ रहे हैं फिर आपके पास। हैं वो ले लेता। हाँ हम ले लिए हम आ रहे हैं आपसे मिलने। ठीक है ठीक है ओके बाय बाय। तो गाइस हमारी श्रीमती जी से बात हो गई है और अब हम श्रीमती जी से मिलने जा रहे हैं, बिकॉज श्रीमती जी की याद आ रही थी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपने ऑफिस में। ठीक है तो अब हम यहाँ से जाएंगे अपने ऑफिस में ऊपर और फिर आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। और गाइस आप लोग बने रहिए अपने भाई के चैनल में, अपने भाई को सब खूब सारा प्यार दो, सपोर्ट दो। ठीक है चलिए तुम्हारा भाई यार। ठीक है तो मैं पहुंच चुका अपने ऑफिस में और अभी थोड़ा सामान लेने जाऊंगा पहले। ठीक है और कुछ सामान लेना है क्योंकि पिछले घर पर ड्रेसिंग का सामान लेना है, तो ड्रेसिंग का सामान लेके फिर मैं जाता हूँ ड्रेसिंग कराने। फिर उसके बाद जाने हैं दो तीन डॉक्टर्स कॉल्स। तो अब फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। तो गाइस मैं अभी थोड़ी सी ऑफिस आया था, तो ऑफिस आके थोड़ी सी मैंने स्टाफ की हाज़िरी वगैरह लगाई, अटेंडेंस वगैरह लगाई। तो उसके बाद मैं चले गया जो सामान चाहिए, सर्जिकल सामान चाहिए ना। अरे सूरज सूरज बड़ा चेक ले गया, चेक लाना, भूल गया उसमें यार टेबल पे। तो गाइस तो अभी मैं थोड़ी सी क्योंकि मेरे पास ना ऑनलाइन है नहीं आज पैसे, और तो सामान के थोड़ी बैंक से थोड़ा कैश निकाल रहा हूँ। ठीक है तो कैश निकाल के फिर उसके बाद मैं अपना सामान सुमून लूँगा, सर्जिकल सामान। उसके बाद कुछ सामान नहीं है मेरे शॉप है ना, तो कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। तो सामान लेके आगे फिर मैं अपना ड्रेसिंग करने जाऊँगा मैं, और फिर ड्रेसिंग करके आगे फिर डॉक्टर से कॉल्स करने के लिए जाना है। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहिए। आपको दिखाता हूँ बस क्या क्या सामान लूँगा मैं, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है ठीक है गाइस। तो गाइस पैसे मैंने निकाल लिए बैंक से। ठीक है तो अब जा रहा हूँ मैं बाहर की तरफ। ठीक है तो अभी सब सामान लूँगा फिर मैं जो भी सामान चाहिए, बिकॉज थोड़ी अभी इसलिए दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। तो गाइस सामान सब सब पैसे पैसे निकाल लिए बैंक से, तो अब मैं जाऊँगा सामान लेने, फिर आपको मिलता है थोड़ी देर बाद। हाँ होम केयर। तो गाइस मैंने अभी ये सामान लिया, गॉस पीस स्टाइल गॉस पीस मैंने लिया। तो इसका जो पर्पस होता है मेन स्टाइल ड्रेसिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब पेशेंट का बेड शोर बहुत ज़्यादा रहता है तो उस टाइम के लिए हम इसको गॉस पीस इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन से बचे, क्योंकि ये स्टाइल होता है। ठीक है ये फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्टाइल गॉस। नहीं तो हम किसको भी लाइक अनस्टाइल गॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमें पेशेंट हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, दैट्स वाई हम इसको स्टाइल गॉस यूज़ करेंगे। हाँ कैश गाइस ये ना ऐसा होता है गॉस पीस, ये आपके से ट्रांसपेरेंट होता है, नेट टाइप का होता है, बिकॉज इससे क्या होता है इसे पस नहीं बनता है, पस नहीं बनता बिकॉज इससे जो ईयर होगी ईयर यहाँ से इधर से आसपास ईयर हो सकती है, ईयर आसपास हो सकती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं गॉस पीस। ठीक है गॉस से अब इसलिए नहीं करते क्योंकि उसे ईयर आर पार नहीं होती है, तो क्या चांस होता है पस फॉर्मेशन का चांस होता है, इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस मैंने सब सामान ले चुका हूँ मैं सर्जिकल का, तो ड्रेसिंग का था, तो सिर्फ एक चीज़ लेनी थी मैंने, वो लेना था गॉस पीस। ठीक है तो गॉस पीस मैंने लिया, बिकॉज देखो गॉस पीस हम इस्तेमाल स्टाइल गॉस पीस हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिकॉज जब पेशेंट का बेड शोर रहता है पेशेंट को, तो उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टाइल टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। जब हम स्टाइल टेक्निक यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने के बजाय घट जाएगा। ठीक है तो हम इसलिए स्टाइल गॉस ही को ही इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी कर सकते थे। ठीक है तो आपको गाइस आगे मिलता हूँ, आप लोग बन रहिए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी
ड्रेसिंग करने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रेसिंग का सामान लेने गया थोड़ी सी सर्दी का सामान, तो अभी ड्रेसिंग करने जा रहे हैं। बिकॉज उनने बोला कि यार चमोली जी आप नर्सिंग ऑफिसर हो, तो यार पहले आप करके दिखा दो हमें ड्रेसिंग, फिर हम फिर जैसी 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 आप करोगे तो वैसी स्टेप वैसी प्रोसीजर फॉलो करेंगे आपके स्टाफ, तो एक बार आप कर दो। बिकॉज उन्होंने हमसे क्वालिफाइड स्टाफ नर्स नहीं लिया, उन्होंने बोला हमें सेम नर्स ये जो सब कुछ काम करें पेशेंट का। तो हम आपको मिलते हैं आगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपको हम बहुत एंटरटेन करेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस हम पहुंच रहे हैं अभी रायपुर नाटपुर में, और जो पेशेंट का जो लोकेशन था वो था रायपुर में, और हम अभी जा रहे हैं। उनका टेलीफोन भी आया था आपको कि आप लोग आ जाओ करके, और हम जो थोड़ी ज़्यादा मीटिंग में फंस गए थे मॉर्निंग में, कुछ हम टाइम से पहुँच नहीं पाए, तो हम सब कुछ सामान से लेकर हम जा रहे हैं पेशेंट घर पर, ड्रेसिंग करेंगे आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, तो तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपको हम बहुत ही बताना चाहेंगे दिन भर। थैंक यू सो मच दोस्तों।